तक आप मेरे साथ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, हमें बात करनी है अब रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। सी, हमने देखा अभी तक कि एपीसी जो है वो होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, और एपीएस होता है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। ये हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में देखा था और ये हमने देखा प्रोपेंसिटी टू सेव में। आगे बात करें, देखिए, अगर मैं एपीसी प्लस एपीएस को एड कर दूं, मतलब सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई, नाउ यू कैन सी वाई इज एलसीएम, तो सी प्लस एस। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स हैं वो इनकम के इक्वल होती है। यू नो दिस कि इनकम जो है या तो वो कंज्यूम होती है या क्या होती है, सेव होती है। तो C प्लस एस को मैं क्या लिख सकता हूं, y, y बाय y कितना आ गया 1। तो APC प्लस APS किसके इक्वल होता है 1 के। APC प्लस APS किसके इक्वल है 1 के। सेम वे हम अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। आप लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि एमपीसी क्या होता है और एमपीएस क्या होता है। सी, एमपीसी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। सेम वे एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। यही होता है, हमने देखा था। अगर मैं एमपीसी प्लस एमपीएस कर दूं, मतलब चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई, चेंज इन वाई एलसीएम, तो यहां आ गया चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। अब डेल्टा सी या चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस, हमें पता है जो भी इनकम में चेंज आएगा या तो वो कंज्यूम होगा या क्या होगा, वो सेव होगा। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस किसके इक्वल है, तो वाई के, ये भी डेल्टा वाई आपस में कट गए, तो ये आपके पास क्या आ गया 1। तो एमपीसी प्लस एमपीएस हमारा किसके इक्वल होता है 1 के। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। सो दिस वाज द टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस।